गुड मॉर्निंग, सलामकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आपने शुरू से एंड तक आराम से बैठ के देखना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात होने जा रही है और आप ही के फायदे की मैं बात करने जा रही हूँ। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया विदाउट फास्ट फॉरवर्ड करने के, तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी कुंजी देने जा रही हूँ। कुंजी मीन्स सक्सेस की कि आपने अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे होना है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने क्वेश्चन कैसे करने हैं। मोस्टली मुझे जो भी कोई क्वेश्चन आता है, मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। द वर्ड्स आर लॉस्ट। होता क्या है कि जब आप किसी का वीडियो देखते हो, तो उस टाइम पे, उस वक्त, यू नो वेयर यू स्टैंड, यू नो वेयर यू केम फ्रॉम, आपकी पूरी लाइफ का पाथ क्या था, जर्नी क्या थी, आपने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, आपने कितनी बार गिरे हो अपनी लाइफ में, कितनी बार अपने आप को उठाया है, कितनी बार अपने आप को आपने समेटा है। सो ऑल दीज थिंग्स, उस वक्त आपके माइंड में ये सारी चीज़ें यू नो कि एग्जिस्ट करती हैं। उसी एटमॉस्फेयर में होते हुए जब आप क्वेश्चन को टाइप करते हो, दैट क्वेश्चन इज वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो उस वक्त जो क्वेश्चन आपने टाइप किया है, इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। उस टाइम पे आप जो थिंक कर रहे होते हो, आप वहां पे एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको तुरंत से टाइप करके भेज देते हो। इट्स वैल्यूएबल फॉर यू, लेकिन मेरे पास क्या पहुंचता है? Only a sentence, only जो words होते हैं ना, 5 या 6 words, मेरे पास आपकी जिंदगी की पिक्चर नहीं आई। So what I can see is only words. अब वो words जो हैं, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मुझे कोई indication नहीं दे रहे कि what are you trying to ask? तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि how to ask precisely to the point question. उसके बाद इस वीडियो के एंड में मैं 2 चैनल्स को शाउट आउट देने जा रही हूँ। ये शाउट आउट में उनका कुछ फायदा नहीं है, मैं आपके फायदे की बात करने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, मैं जो भी बात करूंगी आपके फायदे की बात करूंगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं एक वीडियो पे काम कर रही हूँ जो कि इंफॉर्मेशन लेके आएगी उनके लिए जो अबव 30 ईयर्स ओल्ड है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वी आर 35, वी आर 40, वी आर 45, वी आर अनएजुकेटेड, हमारी जो है डिग्री नहीं है, हम लोग क्या करें। सो ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी रिजॉल्व इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है? कर लो, जल्दी से कर लो, ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करो। Let's dive into the video. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ examples देख लेते हैं कि questions किस type के आ रहे हैं। Number 1 question कह रहा है, I can apply from the UK. I mean, this question is valuable for you, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं इसका क्या मतलब लूं। I can apply from the UK. तो मैं तो यही कहूंगी, यस प्रिसाइसली, यू कैन अप्लाई फ्रॉम यूके। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको मैं रिप्लाई ही नहीं करती हूँ। दैट डजेंट मीन कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर रही हूँ, नो, इट्स बिकॉज आइदर इट इज इररिलेवेंट या उसका कोई मुझे समझ ही नहीं आती कि आप क्या पूछ रहे हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तानी एलिजिबल हैं कि नहीं? ये जो मैंने यूथ वीज़ा अपलोड किया था लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ायदे की है उसमें। अगर आपके फ़ायदे की बात नहीं भी हो रही, बट देर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन हेल्प यू। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया, पाकिस्तानी एलिजिबल हैं कि नहीं? तो ये उस वीडियो को देखने के बाद ही इन्होंने क्वेश्चन किया है, हालांकि उसमें क्लियरली बोला गया था कि दैट वीज़ा इज़ ओनली फॉर इंडियंस which will start from January 2022. अब पाकिस्तानी कैसे अप्लाई करेंगे, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ जिसमें आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, एवरीबॉडी इज फ्रस्ट्रेटेड टू गो समवेयर। तो मेरी कोशिश है कि मैं वो वाली इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो आपके काम की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, प्लीज हेल्प मी। बस ये इतना सा क्वेश्चन आया, प्लीज हेल्प मी।
अब मैं किस में हेल्प करूं यार? आर यू ड्रोनिंग? आप डूब रहे हो समंदर में, पानी में, या आप कहीं पे हर्ट हो गए हो, इंजर्ड हो गए हो? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? आई मीन लाइक, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो मैं कह रही हूँ. अगर एक सेंटेंस में आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा, तो मेक इट टू सेंटेंसेस, थ्री कर लो, पैराग्राफ बना लो. इंग्लिश में आपको नहीं लिखना आ रहा, आप उर्दू में लिख दो. तो मतलब अपना क्वेश्चन जो है वो मेक श्योर कि आप उसको क्लियर लिख रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू अप्लाई वीजा? आई नीड योर नंबर व्हाट्सएप. अब ये कह रहे हैं कि कैन यू अप्लाई वीजा? कौन सा वीजा भाई? आई एम नॉट एन इमिग्रेशन ऑफिसर. मेरा इमिग्रेशन से कोई लिंक नहीं है. जो यूके की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं उसी को उठा के आपके सामने ला के फर्निश कर देती हूँ. अगर आपको खुद से इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरी पिछली वीडियो को देखें, यूथ मोबिलिटी वीज़ा वाली. उसमें मैंने बहुत क्लियर बताया कि कौन सी वाली वेबसाइट पे जाना है, कहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है. तो आप खुद भी जाके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फॉर्म भी दिखाया, आपने फिल कैसे करना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आप उसे जाके पढ़ें. लेकिन हमारे क्या है ना, हमारे माशरे में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हमें गीता, बाइबल, कुरान दिया गया है टू सॉल्व ऑल ओवर लाइफ प्रॉब्लम्स, लेकिन हम लोग इतने लेज़ी हैं, कुछ लोग इतने लेज़ी हैं कि उन्होंने इन किताबों को नहीं पढ़ना है, उन्होंने उन लोगों को जाके फॉलो करना है जिन्होंने यही किताबें पढ़ी हुई हैं और वो आगे सबको गाइड करते हैं. अब मोस्टली क्या है ना, ज़्यादातर मेजॉरिटी, मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे डोंट टेक मी रॉन्ग प्लीज़, मुझे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, ओ यू आर अ बायस पर्सन, ओ आपने ये बात कर दी, आपने वो बात कर दी. नहीं, मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि कुछ ऐसे मौलवी साहब हैं जो कि दाढ़ी मूछ रख के माशरे में इज्जत के लिए दिखावा करते हैं कि दे आर परफेक्ट पीपल. दूसरों को कहते हैं ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, लेकिन उनके घरों में आप जाके देखें, उनकी बीवियां इतने बुरे हाल में रह रही होती हैं, ना ना खुश होती हैं, रो रही होती हैं. क्यों? क्योंकि यही मौलवी हैं जो बाहर कुछ और घर में कुछ होते हैं, डबल फेस पीपल. तो मेरे कहने का मतलब ये है भाइयों, कि बजाय इसके कि आप किसी और को फॉलो करो और उसके ऊपर ट्रस्ट करो, अब आप मुझसे क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से देनी है? वो उसी वेबसाइट से देनी है ना, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. और मैंने आपको कुंजी उसकी दी है, ताले की चाबी भी दी है अपने लास्ट वीडियो में, आप उसको देखें और वहाँ उस वेबसाइट पे जाके जितना एक्सप्लोर करना है कर लो, कर लो. बस कर लो. और पता है क्या, जिंदगी में आप तभी कामयाब बनोगे जब स्टीयरिंग आपके हाथ में होगा, जब आप खुद स्टीयरिंग को कंट्रोल करोगे. आप कभी भी कामयाब नहीं बनोगे जब तक कि आप मुसाफिर हो उस बस के. ट्राई टू कंट्रोल द स्टीयरिंग, अपने हाथ में एवरीथिंग का कंट्रोल लो, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन. ट्रस्ट मी, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट 30 इयर्स आफ्टर पीपल? मैम, हाउ कैन आई अप्लाई यूके वीजा? डेफिनेटली, मेरा आप नेक्स्ट वाला वीडियो देखें, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं उसमें लेके आ रही हूँ. बिकॉज जब इतने सारे मुझे क्वेश्चन आए कि आफ्टर 30 वाले लोग क्या करें, तो देन यू गाइज आर परफेक्ट, आई लव यू ऑल. आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं भी देखूँ यार कि जो 30 के अबव हैं वो कहाँ पे जाएंगे, फिर वो कैसे अप्लाई करेंगे. इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय क्वेरी इज अबाउट द वेज थ्रू विच वी कैन प्रूव दैट आवर बैचलर डिग्री इज इक्विवेलेंट टू देयर आरएफक्यू लेवल 6 एजुकेशन. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन. अच्छा, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ. वो जो जो क्वालिफिकेशंस के लेवल्स हैं, 8 लेवल से स्टार्ट होते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आई थिंक 2 इज द लास्ट वन, वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. तो ये थे क्वेश्चंस जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, कि ये देखें ये क्वेश्चंस आते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं इनको कैसे हैंडल करूं, मैं इन्हें कैसे आंसर करूं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्वेश्चन लिखने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लें
कि आप क्या पूछना चाह रहे हो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे मुझे दो चैनल्स को शाउट आउट देने हैं. तो मैं पहले अपना ये चश्मा निकाल लूँ बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है इसके ऊपर. तो जनाब सबसे पहला मेरा चैनल है ज़ाहिदा मिर्ज़ा जी. ज़ाहिदा मिर्ज़ा ये कौन है? ये एक बहुत फेमस साइकाट्रिस्ट है, हॉलैंड में रहती है एंड शी इज पाकिस्तानी. द गुड थिंग इज शी स्पीक्स उर्दू. तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं लोगों को अवेयरनेस दिलाऊं और बताऊं कि समटाइम्स आपके साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स बहुत चल रही होती हैं, आपको समझ नहीं आती कि करना क्या है ज़िंदगी में, कौन सा वाला रास्ता सही है कौन सा गलत है. स्पेशली फॉर लेडीज़ जो हैं वो जुल्म सहती रहती हैं घर में, उनकी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हस्बैंड के साथ सेक्रीफाइस कर रही होती हैं उसी के इज़्ज़त के लिए जिससे उस लेडी की कोई अहमियत नहीं होती है. तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए या अगर आपको सिर्फ मशवरा भी चाहिए तो आप ज़ाहिदा जी से कॉन्टेक्ट करें. इनके चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगी, आप इनके वीडियोज़ जाके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा. इनके बात करने का तरीका, बहुत प्यारी लेडी हैं और आपका दिल करेगा कि आप और इनसे बात करें और इनसे बात करें. शी इज़ अ डॉक्टर हरसेल्फ. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उनको कॉन्टैक्ट करें, ईमेल करें, उनका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी. उनकी वेबसाइट पे आप जाके कॉन्टैक्ट करें, आप जो भी कोई प्रॉब्लम है उनके साथ रिजॉल्व करें. ट्रस्ट मी शी हेल्प मी अ लॉट. अगर ये ना होती तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे ये वीडियो ना बना रही होती. तो आई एम अ बिग प्रूफ ऑफ हर सक्सेस. आप जाएँ उन्हें बात करें, फॉलो करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें. अच्छा जी अब आते हैं दूसरे चैनल की तरफ. तो आज का हमारा दूसरा चैनल है एमएसके स्कॉटलैंड. ये यार इस बंदे को आप लोग नहीं जानते हो. अगर आप इस बंदे को नहीं जानते हो ना तो आपने दुनिया देखी नहीं. बड़ा ज़बरदस्त बंदा है ये मुदस्सर साहब, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वेरी इंप्रेसिव पर्सन. और पहली ही वीडियो उनका आप देखें आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे उनसे. तो मैं इनका इसलिए रेफरेंस दे रही हूँ जनाब कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पेरेंट्स को हम यूके में कैसे बुलवाएं. तो मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं वीडियो बनाऊं और वो इन्फॉर्मेशन आपके लेके आऊं, देर इज़ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ऑन हिज चैनल. और इन्होंने अपनी वालदा को अभी रिसेंटली बुलवाया है, एक्सपीरियंस भी है. आप उनसे बात करें, आप उनसे पूछें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. ही इज़ द राइट पर्सन टू कॉन्टेक्ट. तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने पेरेंट्स को बुलवाने के लिए आप मुदस्सर साहब से कॉन्टेक्ट करें. और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है. मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा. और अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. और जाने से पहले अगर किसी को भी मेरी किसी बात से हर्ट हुआ हो तो मैं इन एडवांस में माजरत कर लेती हूँ आप सबसे. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल नेक्स्ट टाइम You look after yourself. Allah Hafiz.